दुनिया का सारा ज्ञान जो है वो इंटरनेट में ही उपलब्ध नहीं होता। इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलकर भी एक व्यावहारिक दुनिया में बहुत सारा ज्ञान अर्जन जो है वो होता है। कुछ बुजुर्गों के पास, कुछ दादी माँ के आंचल में, कुछ दादा नाना जी के सानिध्य में, तो आत्रेया देखो, ठाकुर जो है वो आप देख सकते हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है रॉयल रेड बगान माल्टा का हमारा ये बगीचा है, और इसमें जो है वो अभी प्रूनिंग की है, तो कटिंग की है, और कटिंग के बाद जो है वो इसमें चूना वगैरह जो है वो नीला थोथा लगाने की क्रिया जो है वो निरंतर चालू है। तो आज रविवार है और आत्रेया के लिए जो है वो पढ़ाई उपरांत ये एक व्यावहारिक कक्षा का आयोजन है। ऊपर। गुड आत्रेया जी, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून। क्या कर रहे हैं आप? पौधों में नीला थोथा लगा रहा हूँ, अच्छा, ये क्यों लगा रहे हैं आप ये नीला थोथा? क्योंकि दादाजी ने अभी इसमें कटिंग की है। हाँ, हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कीड़ा ना लग सके। अच्छा, और पौधा सुरक्षित रहे, है ना? तो आप मजा आ रहा है करने में हाँ दादी माँ के साथ? अच्छा, हाँ जी, आ रहा है। तो यही व्यावहारिक जो है वो कक्षा है बच्चों के लिए, और बच्चों की व्यावहारिक निपुणता, दक्षता, किताबी ज्ञान के बाहर ये। और चलिए आपको अब दिखाता हूँ कि दादाजी, आत्रे के दादाजी जो है वो प्रूनिंग कटिंग करने में लगे हैं, और ये बगीचा आप देख सकते हैं ये। और ये जो है वो प्रूनिंग, पौधों की कटिंग जो है वो हो रही है, ताकि पौधा जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके। तो ये देखिए इस तरह से अब ये पौधा जो है वो अपनी अच्छी शेप में आ जाएगा इस तरह से। तो आत्रे के दादाजी प्रोनिंग कर रहे हैं, और ये देखिए इस तरह से बगीचे का आनंद। नमस्कार।